हाय गाइस, आज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अपनी पावर दिखा दो गाइस। नीचे पिन कमेंट में लिंक दे रहा हूँ। मैं नॉमिनेट हुआ हूँ टेक यूट्यूबर ऑफ द ईयर में। आप संचित शौकीन को जल्दी से जाके वोट कर दो और दिखा दो भाई टेक बरार में कितनी स्ट्रांग है। प्लीज जल्दी से अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, जब से आईकू नियो 7 प्रो लॉन्च हुआ है ना, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। हर कोई इसको सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन बोलता है। इनफैक्ट नो डाउट यार, 35,000 रुपए में जब स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 दे दिया आईकू ने, तो ऑब्वियसली इसकी हाइप बननी ही थी। बट क्वेश्चन यहाँ पर एक अराइज हो रहा है जो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ़ोन में कोई कैच ना हो, कुछ मतलब गड़बड़ ना हो, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि भाई ये फ़ोन इतना परफेक्ट कैसे है। तो मैंने जो है 15 डेज इस फ़ोन को यूज़ किया है और आज मैं आपको एग्जैक्ट रियलिटी बताऊंगा, फिर खुद जज कर लेना कि ये फ़ोन है कैसा। और बहुत सारे कमेंट्स को देखने के बाद मुझे ये भी पता लगा कि आप लोगों का ये डाउट है, क्या इस फ़ोन का कैमरा अच्छा है भी या फिर नहीं। मैं सीरियसली बहुत सॉलिड आंसर आपको दूंगा लास्ट तक। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक क्रिटिक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, जैसे ही मैं रिव्यू वीडियो बनाता हूं ना, उसमें सिर्फ एक्सपीरियंस बताता हूं, स्पेसिफिकेशंस नहीं बताता। अगर आपको स्पेक्स वगैरह जानने हैं तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो। अब सबसे बड़े क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कि कुछ फिशी तो नहीं है, कुछ कैच तो नहीं है कि स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 जो है 35,000 से नीचे कैसे दे दिया। खैर, मेरा भी ये डाउट था, ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अगर एक घंटे के लिए कोई गेम खेलूं, क्योंकि गेमिंग के लिए फोन कोई भी खरीदना चाहेगा, तो एक घंटे गेम खेलने के बाद परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाए या फिर फ्रेम ड्रॉप्स आने लगे, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये टेस्ट करी थी इस पूरे परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में। तो आज ना सीधा गेमिंग के बारे में बता देता हूं। देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी BGMI बहुत देर तक खेला, ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। फिर मैंने हेवी गेम्स खेलना स्टार्ट करे, जैसे कि जेंशन इंपैक्ट, बहुत अच्छा गेम है नो डाउट। और काफी देर खेलने के बाद बीच में कई कई जगह पे मुझे जो है फ्रेम ड्रॉप्स को मिले। खैर, तो नेट पिकिंग करके बता रहा हूँ, बट 30-40 मिनट खेला होगा मैंने ये गेम और मेरे हिसाब से भाई गेम अच्छे से चल रहा था। फिर इसके बाद मैंने रेकफेस्ट गेम जो खरीदा हुआ है, मैंने ये चलाया, बहुत हैवी गेम है ये। इसमें मैंने 30 लैप की रेस करी 15 ओपोनेंट्स के साथ और सरप्राइजिंगली लास्ट लैप तक भी ना इस फोन ने कोई ऐसे फ्रेम ड्रॉप्स नहीं दिखाए और एक्चुअली मैं गेम सही चलाया। तो यहाँ से आपको क्लियर आंसर मिल जाता है, भाई कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कैच नहीं है, एक्चुअली मैं स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 इस फोन में अच्छा ही डला हुआ है। मस्त परफॉर्मेंस आती है गेमिंग में भी, और बोलने की मुझे नीड नहीं है। खैर, नॉर्मल यूजेज भी करोगे, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हो या कोई भी ऐप हो, वहाँ भी अच्छे से चल रहा है, मैंने खुद टेस्ट किया है। और हीटिंग की सिचुएशन भी बता देता हूँ, जब मैंने रेकफेस्ट और जेंशन इंपैक्ट खेला काफ़ी लंबे समय के लिए, तो टॉप हाफ ही गर्म हुआ था, जो कि लाइक जनरल बात है। मुझे लगता है कि मैंने ये बात बहुत आराम से निपटा दी है, बट ऐसा नहीं है। जो रेकफेस्ट गेम मैंने आपको दिखाया ना, जो पेड गेम है, कुछ फ़ोनों में मेरे साथ ऐसा हुआ है जिसमें सेम प्रोसेसर है और 15 लैप तक मैंने उस फ़ोन में वो गेम खेला है, फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हुआ है कि वो गेम खेलने लायक नहीं रहता। तो उस पर्सपेक्टिव से मैंने इसकी परफॉर्मेंस सही बताई है आईकू न्यू 7 प्रो की, तो मुझे लगा कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए आपको। अच्छा, एक और बात, ये सारे गेम्स जो है ना मैंने मॉन्स्टर मोड में खेले थे। आईकू देता है फीचर जिससे जो है बेटर परफॉर्मेंस हो जाती है और कम फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं, बट फोन उससे हीट थोड़ा सा होता है, इसलिए भी मेरा थोड़ा ज्यादा हीट अप हुआ था फोन। अगर मैं इस फोन का डिजाइन एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो क्या हुआ, 15 दिन से जब से मैं फोन यूज कर रहा हूं, तो छोटी छोटी चीजें दिखने लगती है। फिर जैसे कि मेरे नोटिस में आया कि फोन की स्क्रीन, फ्रेम और बैक पैनल तीनों एक अलग अलग एलिमेंट लगते हो और आप टच करके तीनों को फील कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं ना, तीनों चीजें कर्व होती है आपस में, तो मुझे लगा ये छोटी चीज मेरे ध्यान में आई है, आपको बता दूं, हो सकता है आपको मैटर भी ना करे। और ये जो आईकू न्यू 7 प्रो मेरे पास है ना, ये ऑरेंज कलर है और लेदर फिनिश के साथ ये आता है, और लेदर के दो फायदे ये है कि स्क्रैच नहीं पड़ता और दूसरा ग्रिप बहुत अमेजिंग प्रोवाइड करता है। लेकिन इस फोन के जो बाकी दूसरे कलर है वो तो ग्लास फिनिश के साथ ही आते हैं, और ये ऑरेंज कलर हर किसी को पसंद नहीं आता, और ये एक फैक्ट बन गया है, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली मेंबर है जिनको ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ये कलर कुछ ज्यादा ही पसंद आया। तो मेरे हिसाब से अगर खरीदने का प्लान करो तो कलर के ऊपर थॉट देना पड़ सकता है। और इन 15 दिन की यूसेज में ना मुझे ये फील हुआ कि देखो फोन हल्का है, मतलब दो हाथ से मैं फोन को यूज कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई परेशानी या फिर डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। लेकिन फोन जो है ना वाइड बहुत ज्यादा है, जो कि गेमिंग में बहुत हेल्प कर रहा है। जैसे ही मैं हॉरिजॉन्टल पकड़ के गेम खेलता हूँ ना, ऐसे मतलब फिंगर्स को और थंब को बहुत रूम मिल जाता है। बट क्योंकि ये फोन बहुत वाइड है, तो एक हाथ से यूज करने में दिक्कत होती भी है। खैर, अच्छी बात ये भी है कि मैंने जो है न्यू दिल्ली में एयरटेल की सिम यूज करी है, मुझे देखो ना ही कोई नेटवर्क की इशू फेस हुए, तो लाइक यहाँ पे सॉर्टेड लग रहा है। अच्छा, फिंगरप्रिंट अच्छा काम करता है, वहां कोई मुझे शिकायत नहीं है। वैसे ध्यान देने वाली बात पता क्या है, कि जो इसका स्क्रीन गार्ड है और जो केसेस है वो अमेजोन पे अवेलेबल है, और उसके जरूरत
जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 15 दिन हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए जैसे कि बताया, बट स्क्रैचेस है इसके अंदर और ऊपर से बबल भी आ गया। तो मुझे चेंज कराना था, तो मैंने अमेजोन पर सर्च करा, अवेलेबल था, तो ये चीज़ ठीक है। इस फोन की एक जगह पे स्पेशली मैं तारीफ करूंगा कि मैं इसमें ना टॉप गन मैवरिक दिख रहा था और उस मूवी के अंदर बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स है, और ये जो स्पीकर्स इन्होंने डाले आइकू ने यार, वो सब कुछ जो है सही तरीके से प्रोसेस कर पा रहे थे। मेरे को ऑडियो का एक्सपीरियंस एक्चुअली में अच्छा लगा। और मैं बहुत सारा कंटेंट देखता हूँ यार, यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। जैसे कि आर प्लेनेट 2 मैं देख रहा था टेस्टिंग के लिए, देखता हूँ मैं, और इस फोन ने बहुत अच्छी तरीके से HDR दिखाया, कलर भी एक्यूरेट थे, और ये चीजें एक 35,000 के फोन में होना एक अच्छे प्रोसेसर के साथ यार सही चीज है। देखो इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है ना बहुत सारी एप्स है जो 60Hz पे ही चलती है, और क्योंकि मैं बहुत सारे फोन यूज करता रहता हूँ तो सडनली 60Hz पे कुछ कुछ एप्स को देखना मेरी आंखों को लाइक अच्छा लगता। खैर ये मैं मानता हूँ कि इसको बहुत इजीली फिक्स किया जा सकता है। सेटिंग्स में आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि भाई कौन सी ऐप 120Hz पे चलेगी, कोई नहीं चलती 120Hz पे तो फोर्स भी किया जा सकता है। बट अगर आप बहुत टेक्निकल यूजर नहीं हो तो हो सकता है कि आपको ये सेटिंग बहुत लेट समझ आती। चलो मैंने बता दिया, बट हाँ मेरे हिसाब से आइकू इसको थोड़ा सा इजी कर सकता है। खैर मैं आइकू का पॉइंट ऑफ व्यू समझता हूँ, जैसे ही कम रिफ्रेश रेट पे कोई ऐप चलती है तो उससे पावर बचती है, बैटरी बैकअप बढ़ता है, इसीलिए आई थिंक ये सब किया होगा, आई एम नॉट श्योर। बट इसी पॉइंट पर अगर बैटरी की बात करूँ तो मैं एक्सट्रीमली हैप्पी था इसके बैटरी बैकअप से, क्योंकि फोन बहुत लंबा बैटरी बैकअप दे पाता है। अगर मैं अपने बैटरी बैकअप का स्क्रीन शॉट दिखाऊँ ना आपको, तो 6.25 घंटे करीब मुझे इसमें स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता था, लाइक एवरी डे मैं बता रहा हूँ। और ये यूसेज नॉर्मल नहीं है, इसमें वीडियो कॉल्स भी है, इसमें कंटेंट भी देखा जाता है, गेमिंग भी है इसके अंदर, जो गेमिंग की टेस्टिंग लगातार चली है, कैमरा भी बहुत यूज होता है, 5G भी है, और मोस्टली ऐप मैंने 120Hz पे लाइक फोर्स कर रखी है। तो अगर क्लियर वर्ड से बताऊं तो मेरे हिसाब से अच्छा बैटरी बैकअप है, क्योंकि 17 से 24 घंटे के बीच में फोन चल जाता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 120W की चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब मैं बैटरी बैकअप से बहुत ज्यादा खुश हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात बता देता हूँ, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कितना ब्लोटवेयर इस फोन में मिलता है, मैंने ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल कर दिया था। बाकी मैं ये जरूर हाईलाइट करूंगा फ्रंट टच ओएस के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस फन था, रीजन मैं इसका बता सकता हूँ, वो है कस्टमाइजेशन। काफी टाइम बाद मैंने जो है कस्टमाइजेशन करी है, फिंगरप्रिंट स्कैनर की एनिमेशन कैसी है वो भी कंट्रोल हो जाती है, जब हम फोन अनलॉक करते हैं उसकी एनिमेशन या फिर लॉक करने की एनिमेशन, इन सब पे कंट्रोल मिलता है। तो लाइक कस्टमाइजेशन तो फंटच ओएस में बहुत सारी है, और मैं जब भी किसी भी फोन की रिव्यू वीडियो बनाता हूँ यूज करने के बाद, तो मुझे बग्स मिलते हैं भाई फोन में, मतलब मैं रिकॉर्ड कर करके आप लोग को दिखाता रहता हूँ, इस फोन में बग्स नहीं मिले, तो काफी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस ये भी मेरे को लगा। ऐसे आइकू को मैं एक फीडबैक जरूर दे सकता हूँ और बेटर करने के लिए अपनी UI को, कि हैप्टिक्स का ना जगह जगह पे आप यूज ले सकते हो, जैसे कि OnePlus ने किया हुआ ना अपनी UI में, चाहे फिर वॉल्यूम अप डाउन करो, ब्राइटनेस का स्लाइडर लेकर जाओ, या फिर रिसेंट ऐप के अंदर, हर जगह पे OnePlus में ना हैप्टिक फीडबैक है, काश इसमें भी हो जाए तो वो बहुत कमाल एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हाँ वैसे आइकू का सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी की जो साइकिल है ये हमेशा अच्छी रही है, ये हम टाइम पे अपडेट देते हैं, पर ये जो फोन है वो जून के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है, अभी तक जुलाई का नहीं आया है, तो ये भी बेटर किया जा सकता है। फिर अब नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं, वो लोगों का ये था कि जनरली नोटिस किया है, सभी ने नोटिस किया होगा कि परफॉर्मेंस फोन में ना कैमरा अच्छा नहीं होता, मेरी भी सच बता रहा हूँ यही एक्सपेक्टेशन थी इस फोन के साथ कि कैमरा कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, बट जो ये 50+8+2 का कैमरा सेटअप है ना, स्पेशली ये 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा एक राइट वर्ड है, क्योंकि जितनी भी मैंने फोटोज खींची है ना उनमें नेचुरली डिटेल ला पाता है, ऐसा फील नहीं होता कि ओवर शार्पनेस कर रखी है फोटो में। फॉर एग्जाम्पल एक फोटो देखो, आपको भी लग रहा होगा कि भाई इसमें क्या ही खास है, बट जूम कर दिखाता हूँ यार, फर देखो कितने सही तरीके से डिटेलिंग लेकर आया है, और पता नहीं कैसे ये फोन जो है ना कुछ फोटोज का वाइड बैलेंस बहुत एक्यूरेट ला पाता है यार, ये बहुत सरप्राइजिंग सी बात है। इनफैक्ट फोटोज की यार डायनेमिक रेंज भी अच्छी है अगर आप ध्यान से देखो तो, और यहाँ पर जो है कलर्स थोड़े से बूस्टेड आते हैं, बट मेरे को यहाँ पर कोई बुराई नहीं लगी। आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई कुछ कैमरे में वीकनेस नहीं है, देखो वीकनेस सारे कैमराज में होती है, जैसे कि इसमें मैंने ये नोटिस किया है कि स्किन टोन कभी कभी बहुत ज्यादा ब्राइट कर देता है ये, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जब मैं पोर्ट्रेट शॉट्स दिखाऊं ना, तो देखो स्किन टोन ब्राइट
ब्राइट है, लेकिन जो ओवरऑल फोटो है वो बहुत अच्छी आती है, जैसे कि बैकग्राउंड में ब्लर अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छी है, तो ये पॉइंट अच्छे है। और पर्सनली मुझे तो एक डाउट था कि भाई क्योंकि ये परफॉर्मेंस फोन है कहीं लो लाइट में बहुत बेकार परफॉर्म करे, ऐसा होता है कभी कभी, बट लो लाइट में भी ये एक्चुअली में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कलर्स भी सही से रिटेन कर रहा है, डिटेल भी होती है, राइट अमाउंट की ब्राइटनेस भी है। निट पिकिंग करके ये बता सकता हूँ कि ग्रीन कलर ये बहुत बूस्ट कर देता है कभी कभी लो लाइट में। और अल्ट्रा वाइड लेंस का यार मैं क्या बताऊँ आपको, 8 मेगापिक्सल का है, बहुत सारे फोनों में देखने को मिलता है ये 8 मेगापिक्सल, मतलब हर बार मैं यही बोलता हूँ कि 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म कर रहा है, बट इसमें ये जरूरी हाईलाइट करूंगा कि कहीं ना तो कहीं जब इसको लाइट दे दो तो ये ठीक परफॉर्म कर लेता है, बट ठीक है डिसेंट या एवरेज ही बोलो। इनफैक्ट जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना उसके लिए भी मैं सेम ही बात बोलूंगा, मुझे एवरेज ही लगा क्या। लेकिन इस फोन की ना एक जगह पे बहुत तारीफ होगी, वो है 4K 60fps। और मैं कभी भी फोन को रिव्यू करते समय ना, मतलब 35,000 के अराउंड वाले फोन 4K 60fps कभी भी अच्छा शूट नहीं करते, ये मैंने नोटिस किया है। लेकिन इस फोन की ना 4K 60fps की वीडियो देखो, मेरे हिसाब से डे लाइट के अंदर बहुत अच्छा ये शूट कर पाता है ओवरऑल वीडियो को, बट जैसे ही लो लाइट में 4K 60fps लेकर जाओगे वहां पर गोस्टिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। और 4K 30fps की बात करूं तो चाहे फिर वो डायनेमिक रेंज हो, स्किन टोन, ओवरऑल डिटेलिंग, वहां पर तो ये बहुत सही परफॉर्म कर जाता है। 4K 30fps इस प्राइस सेगमेंट में ये काफी ज्यादा कमाल परफॉर्म कर रहा है। फ्रंट वीडियो 1080p 30fps ही है, वो मुझे इतनी खास नहीं लगी। अब मैं आपको फाइनल कंक्लूजन देता हूँ कि भाई इस फोन को यूज करने के बाद मुझे क्या फील हुआ। देखो एक चीज नई मैंने ये फील करी कि अगर आप एक अच्छे परफॉर्मेंस फोन को अच्छा कैमरा भी दे दो ना तो वो कंप्लीट फोन हो जाता है। लिटरली इन्होंने कंप्लीट फोन बनाया है, इतना राइट प्राइस रखा है इसका। ऑफर के बाद तो ये बहुत एग्रेसिव प्राइसिंग बोली जाएगी, मतलब एक्सीलेंट प्राइसिंग बोली जाएगी। और अगर ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, डिस्प्ले भी और बैटरी भी, 120 वॉट की चार्जिंग बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ गिने चुने फोनों में से है जिनको मैं दिल खोल के बोल सकता हूँ कि भाई कोई भी खरीद सकता है, मतलब मासेस को मैं फोन रिकमेंड कर सकता हूँ, एटलीस्ट यूज करने के बाद तो मुझे यही फील हुआ। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी कंक्लूजन देता हूँ ना तो बहुत स्पेसिफिक रहता है कि अगर आपको परफॉर्मेंस फोन चाहिए तो ये खरीद लो, अगर आपको एक अच्छा सैमसंग फोन चाहिए तो ये खरीद लो, मतलब कंडीशंस के साथ मैं कंक्लूजन देता हूँ। लेकिन इस फोन के बारे में बोल सकता हूँ कि कोई भी फोन ही खरीद सकता है। खैर ये तो मेरा रिव्यू था। अगर आप इस फोन को यूज कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो भाई आप क्या सोचते हो, बाकी लोगों की मदद करो भाई कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।